अजेंद्र, ये अज्जू भाई है? सिस्टम है अज्जू भाई का, सिस्टम भाई। अज्जू भाई का कैरेक्टर इस गेम के अंदर डाला है इस बंदे ने, मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर भी डाला यार यहाँ पे। और रे भाई ये कौन है? एमएस धोनी, फ्री फायर जैसा ही सब कुछ इधर पे देखने को मिलने वाला है भाई। चलो व्हाट्सअप, कैसे हो? बढ़िया हो गया, ऑफकोर्स बढ़िया ही हो गया और बढ़िया ही रहो यार, राम जी की कृपा तुम सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। तो तुम लोगों का स्वागत है इस आज की इस नई वीडियो के अंदर। हाँ, अज्जू भाई को रोस्ट मारने के बाद इसके बाद कोई वीडियो नहीं आया था और आज वीडियो लेके आया हूँ मैं फ्री फायर से रिलेटेड, मतलब फ्री फायर इंडिया के जैसे ही एक हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट, मतलब एक है यूट्यूबर जो कि फ्री फायर इंडिया का, मतलब फ्री फायर का बहुत ज़्यादा लवर था, उसने खुद ही एक फ्री फायर इंडिया क्रिएट कर डाला जो फ्री फायर बना ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाले इस वीडियो के अंदर, तो रेडी रहना तुम लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से फुल वॉच करना। और हाँ, हेडफोन डाल लो कान पे, नहीं 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 अब्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी डाल लो क्योंकि मजे आने वाले हैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा इस वीडियो के अंदर। चलो गेम के अंदर चलते हैं। तो फाइनली अब लोग गेम के अंदर तो देखो आ चुके हैं यार। तुम लोग का गेम दिख रहा होगा यहाँ पे, देख सकते हो हम लोग का एडम वगैरह इधर पे खड़ा हुआ, बट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा डाउन है। एक बार हम लोग सेटिंग पे जाएंगे, क्या पता फ्री फायर जैसा ही सब कुछ इधर पे देखने को मिलने वाला है भाई। क्या पता नहीं, इधर पे देख सकते हो लो एंड लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, और नहीं शायद से ये यूजेड नहीं है, मतलब कि ये सोप के लिए दिखाया गया कि हाँ ये गेम में है। म्यूजिक की बात करें यहाँ पे, म्यूजिक हम बढ़ा घटा सकते हैं, देवराज भाई ने खुद का म्यूजिक लगा रखा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं कहीं कॉपीराइट वगैरह ना देते, साउंड इफेक्ट बढ़ा सकते हैं हम लोग। बात करते हैं यहाँ पे जर्नल और सेंसिटिविटी भी यहाँ पे है भाई, अच्छी खासी सेंसिटिविटी है, इसको मैं टच नहीं कर पा रहा। अरे भाई ये ऐप में थोड़ा सा ये वाला इशू है टच वाला, क्योंकि आता है सर जी ये देखो, बट यार कंट्रोल, ओ भाई कंट्रोल तो एकदम रियलिस्टिक दे दिया इस बंदे ने। ये देखो हम लोग ऐसा ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। अरे भाई मैं मैप को इधर उधर ले जा सकता हूँ पूरी तरीके से। ओ ये फायर बटन है, फायर बटन को हम लोग अरे ले जा सकते हैं भाई, बस उसको होल्ड करके ऐसे ले जाना, मतलब कि उस पर क्लिक नहीं होगा, उसको होल्ड करके हम लोग को ले जाना है, सेव करना है उसको। अरे नाइस नाइस नाइस, अभी हम लोग इसको पूरा चेकआउट करने वाले भाई। सेव हो गया, अच्छा एग्जिट करना पड़ेगा, मुझे लगा उधर से सेव करते हैं हम लोग इधर बाहर आ जाएंगे जैसे कि अपना रियल वाला गेम होता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक लेवल का आईडी देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पे हम लोग अवतार वगैरह ये क्यों लगा रखा है भाई इधर पे, देवराज भाई डी लगा देना चाहिए था, अगर था कोई चीज़ तो। बट यहाँ पे कैरेक्टर्स का स्टोर देखेंगे भाई। ओ भाई स्टोर अवेलेबल है यार इसमें, एक मिनट, मैक्सिम तो चलो मैक्सिम है, मैक्सिम इधर पे खड़ा है, मैक्सिम, ओ मैंने उसको एडम बोल दिया था यार, क्या ही बोलूँ मैं। अजेंद्र, ये अज्जू भाई है भाई, अज्जू भाई का कैरेक्टर इस गेम के अंदर डाला है इस बंदे ने, मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर भी डाला है यार यहाँ पे। और रे भाई ये कौन है? एमएस धोनी भाई सॉरी यार, यहाँ पे धोनी का भी मतलब थाला भाई का, मतलब थाला सर जी का भी यहाँ पे एक वो डाला गया है भाई, मतलब कि कैरेक्टर डाला गया जो कि देख सकते हो एकदम भाई रियलिस्टिक 3D क्रिएटिंग की है। अमित भाई भी है भाई इसमें, वाओ। और ये कौन है? आई नो ब्रो, तुम लोग जानते हो तो बताना मेरे को ये कौन है, ये बंदा पर्सनली बताना कौन है ये, मैं नहीं जानता भाई। ओ भाई टोंडे दाई भी, अपने टोंडे दाई भी आ चुके हैं। हाँ आलोक तो कोई भूल ही नहीं सकता, अगर फ्री फायर बनाए तो आलोक नहीं भूलने का सर जी। और ये फ्री फायर इंडिया है सर जी, तुम लोग देख सकते हो फ्री फायर इंडिया का एक नमूना दिखाया गया है। ओपी यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बट भाई अपने पास ना ही क्वाइन और ना ही अभी कुछ है क्लॉथ। अरे अबे सीजन टू हम लोग ले सकते हैं इधर पे, कोई दिक्कत नहीं गाइस, इधर पे सीजन टू ले सकते हैं। क्रिमिनल्स का पूरा भरमार लगा रखा है सस्ते सस्ते में, तो वो वाला फ्री फायर आज से मैं छोड़ने वाला हूँ, ये फ्री फायर को खेलने वाला हूँ भाई। यहाँ पे देख, ओ हो पर्पल भी देखने को मिलेगा, येलो भी देखने को मिलेगा। ओ लूट बॉक्स भाई, क्या ही रियलिस्टिक कॉपी पेस्ट मारा बंदे ने, अबे बनाया कैसे इसने। अरे भाई भाई वॉल वाले सेक्शन पे जाते ही जो मेरे को शॉक लग रहा है ना, देखो भाई तुम पहले ये वॉल देखो भाई, पहले पूरा मैं घुमा के वॉल दिखा देता हूँ। और ये वाला भी भाई, क्या बात है, ये वॉल आया था इतने इवेंट्स में, ये देखो एकदम एकदम तुम लोग को लग रहा है, ये वॉल को देखो, तुम लोग बाकी सब चीजें काट दो, ये वॉल को देखो लग रहा है तुम लोग की किसी दूसरे गेम में हो, ये फ्री फायर ही है भाई यहाँ पे। ओरे भाई ये देखो, ये वैलेंटाइन डे के दिन आया था वॉल, वो वाला वॉल इधर पे रखा है। वेफेंस में कमिंग सून है, वेफेंस अभी बहुत सारा चीज है पे कमिंग सून। ओ यहाँ पे लकी रॉयल भी हम लोग को कमिंग सून पे ही दिखने वाला है, कैरेक्टर्स तो हम लोगों ने देख रखे हैं, बट मेरे पास अभी अजेंद्र वरिया भी नहीं है, अजेंद्र कुछ नहीं पड़ा है। कलेक्शन, ओ लूट बॉक्स इधर पे मेरे पास यही पड़ा है जो कि मिलता है पहले हम लोग को, ये इधर पे है। और ग्लूअल भी ऐसा है, अवतार एंड बैनर इधर पे हम लोग को फ्री में पहले देते हैं, ईगल वगैरह अच्छा लग रहा है यार वैसे, बट हम लोग आरएस करके आर ही लगाएंगे अपन लोग का, ठीक है। ओ भाई मुझे नहीं, मैंने ये वाले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इस पे बैनर भी अच्छे अच्छे दे रखे होंगे भाई, बैनर एकदम मस्त दे रखे हैं, तुम लोग देख सकते हो, मैंने ये वाला चूज कर लेता हूँ।
भाई लॉबी को हम लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर मारा है, तुम लोग एक बार लॉबी चेकआउट करो भाई, यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग को लॉबी में इंडिया गेट, जो कि कितना रियलिस्टिक क्रिएट किया इस बंदे ने भाई, मानना पड़ेगा भाई। देवराज भाई तुम्हें तो पहले तो सलूट है यार, क्या ही गेम बनाया तुमने भाई, कलेक्शंस वगैरह भी। अब देख लेते इधर पे एक बार, यहाँ पे पैच ओपी सब्सक्राइब करो और 30 डायमंड ले जाओ, मेरा भी सब्सक्राइब करो 30 डायमंड ले जाओ, सब्सक्राइब कर दो, नीचे सब्सक्राइबर बड़ा दिखेगा। फॉलोस इंस्टाग्राम भाई, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे को फॉलो कर लेना यार प्लीज। इधर पे ओ कैरेक्टर्स कमिंग सून पे भाई, कैरेक्टर्स ओ चार्ट ओपी 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 भाई, ये सारी चीजें यहाँ पे कमिंग सून पे अभी पड़ी है, मतलब कि ये गेम आधे तरीके से बना दिया इस बंदे ने, पर आधा भी गेम बनने को बाकी है। बात करते हैं, हमारे यहाँ पे टेस्ट स्क्वाड लगा हुआ है और नहीं बरमूडा बैटल रॉयल इधर पे कमिंग सून पे। ट्रेनिंग ग्राउंड की बात करें तो ट्रेनिंग ग्राउंड अभी है सर जी। ओ एक अरे एक मिनट, इसने फ्री फायर जो बनाया है वो फ्री फायर इंडिया बनाया, तो यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड हम लोग को ओल्ड वाला देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, अबे ये क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं गाइस। ओ नहीं, कोई लोडिंग नहीं है, कोई 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 दिक्कत नहीं है, पूरा सर्वर खाली है तुम्हारे लिए ही है। अरे भाई क्या है भाई, पूरा एकदम आ चुका है। हम लोग क्या ले लें, डिजिट ले लेते हैं, और यहाँ पे डिजिट ले लेते हैं और AWM ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू वॉल भी ले लेते हैं चलो। अरे भाई इधर पे देख सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा क्वालिटी मैंने सेंसिटिविटी हाई कर दिया था। ये अपना ओल्ड वाला ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हम लोग पहले इधर देखो बैठ भी नहीं बैठ सकते थे, और ये देखो दो दो खंभे और यहाँ के पुतले गायब कर दिए भाई इस बंदे ने। नाइस यार, इधर पे देखो हम लोग मार सकते हैं क्या, अबे अबे लग जा भाई। ओ भाई नहीं नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते। अबे बट एक चीज नोटिस करी तुमने, आवाज भाई आवाज एकदम रियल फ्री फायर है। डीजे टीगल की आवाज देखते हैं, डीजे टीगल। अरे भाई वॉल भी लगा सकते हैं हम लोग इधर पे। अरे अरे वाह वाह वाह, वॉल कैसे ऐसे हम लोग माइंड ट्रैप की तरह घूम रहे हैं, देखो ऐसे करके भी वॉल लगा सकते हैं गाइस, तुम लोगों को नहीं पता होगा भाई। ये बहुत ज्यादा फनी एंड कूल गेम है भाई, तुम लोग ओपी। ये देखो हम लोगों ने वॉल लगाई, एक ही वॉल हम लोग को मिली थी, और ये देखो कितनी रियलिस्टिक वॉल है, इसको तोड़ते हैं हम लोग। वॉल पे भी डैमेज आ रहा है भाई, अरे ये थोड़ा सा यूनिक था भाई, वॉल पे भी डैमेज आ रहा है। अरे ओ एनिमेशन देखो भाई, वॉल टूटने का भी ऐसा कॉपी मारा बंदे ने। गाइस यार क्या ही गेम बना दिया इस बंदे ने, फ्री फायर इंडिया करके मैं इसे बोल सकता हूँ। और हम लोग कैसे गेम के अंदर पहले कैसे जाते थे, हाँ ऐसे इनके दरवाजों पे ऐसे खड़े होके जाते थे। आ चुका हूँ भाई मैं, ये थोड़ा सस्ता है बट आ चुका हूँ। अबे भेज दे, क्या है भाई, अबे ये तरीका, अरे अरे ये आने का तरीका थोड़ा कैजुअल था सर जी, सच में बहुत ज़्यादा कैजुअल था। मैं आ चुका हूँ इधर पे ट्रेनिंग ग्राउंड का, ये वाला कौन सा, अच्छा वो सेक्शन है जहाँ पे हम लोग ना गाड़ी वगैरह चलाते थे। अरे भाई क्या पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है यार ये गेम सच में यार, छोड़ भाई क्या पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है पूरा पूरा यार ये गेम, क्या ही बोलूँ भाई सच में। तुम लोग एक बार ट्राई करना, और जिन लोगों को भी ये गेम खेलना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो उस गेम को, ठीक है। एंड वहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, उधर से तुम लोग बातें कर लेना। अभी हम लोग इसको और ज़्यादा देखने वाले भाई, क्या सीन है इस गेम के अंदर। ओ माय गॉड यार क्या ये पुरानी यादें लेके आ गया भाई, 2019 में ये था अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। हम लोग इधर पे हम लोग बढ़िया अच्छे तरीके से खेल सकते थे, बट एक बार एग्जिट करूंगा मैं इसको। ओ एकदम जी इधर इधर पे आ गए सीधा, वो वाला ट्रेनिंग ग्राउंड तो देख के आते हैं पर लोग, डिजिट ले लेते हैं ओनली, ठीक है देखने बस है पर लोग को। इधर वाले से चलते हैं जो जिस ट्रेनिंग ग्राउंड में हम लोग फाइट करते हैं। अरे भाई ये कैसे भाई, एग्जिट भी इधर पे होगा क्या, एग्जिट नहीं है सर जी, तुमको फेंकेंगे हम अपनी इजाजत से, तुम जाएंगा नहीं अपनी इजाजत से। ये तो वही वाला आ गया ना जहाँ पे हम लोग पहले थे, इधर पे है क्या वो लड़े वाला, इधर पे होगा शायद से भाई, मतलब शॉर्टकट दे रखा है क्या। नहीं यार इधर से हम लोग नहीं जा पा रहे, कुछ तो इशू है सर जी। और इसको क्रॉस करते हैं फिर से अपन लोग आते हैं स्टार्ट करके, भाई कुछ तो है मतलब हम लोग को जाना चाहिए, या फिर दोनों एक ही हैं, पता नहीं क्या बना रखा है देवरेज भाई ने, अभी तो मेरे को पता नहीं है बट कोशिश करते हैं। ओ इधर से हम लोग ऐसा जंप ऐसा रन वाला, ओबे ओए मार रहा है, अबे ओए अरे नहीं मारने का भाई, मैं गन लेके नहीं आया। अरे भाई ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड सर जी, अबे आलोक चचा क्यों मारने का यार, क्यों क्यों पीछे पड़ रखा है भाई इस बंदे ने, दूर रहे भाई थोड़ा सा दूर रहे, मैं देखने आया हूँ केवल। बट इधर पे हम लोग साइड से नहीं जा सकते, ये एरिया लॉक करके रखा है इस बंदे ने। देवराज भाई बोलते हैं मतलब कुछ मेरे लिए यूनिक छोड़ो सर जी, सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं होगा। अभी इधर पे देखो हम लोग चढ़ सकते हैं, नहीं जा सकते इधर भी नहीं जा सकते यार, तो मतलब क्या है भाई। अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं। और भाई इसके कंट्रोल, ओ एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस नहीं करी, इसमें अभी भागने वाला सिस्टम नहीं है सर जी,
मार दिया। अरे भाई इधर पे हम लोग ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड देखने आए हैं, अभी फाइट वगैरह का कोई सीन नहीं लेना, फाइट हम लोग सीएस में खेलने वाले, ठीक है। ओपी भाई तुम लोग देख सकते हो पूरा ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलेगा। बात करते हैं, चलो वापस आ जाते हैं हम लोग इधर पे और लॉबी पे एक बार हम लोग आके फिर से देखेंगे भाई। यहाँ पे सारे कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, अज्जू भाई वगैरह के कैरेक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा ओपी है, बट उनके साथ जब खेलने को मिलेगा तब कुछ ज्यादा ही ओपी होगा। बट मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं मैं ऐड वगैरह नहीं देख सकता, अदरवाइज ऐड देख के तुम लोग इधर पे डायमंड वगैरह ले सकते हो क्योंकि प्लस वाले ऑप्शन। हाँ ये देखो ऐड देख के तुम लोग डायमंड ले सकते हो एक ऐड देख के, और यहाँ पे 100 कॉइन भी मिल जाएगा एक ऐड देखने पे तुम लोग को। बट हम लोग सीएस को एक बार चेकआउट करने वाले, सीएस का क्या सीन है ओपी, मतलब स्टार्ट होने का कोई ग्लिच नहीं है इधर पे। ओ पहले राउंड से हम लोग को डिजिट मिलता है, ये ओपी है। ओ हम लोग कहाँ पे आ गए भाई, भाई मील है ये, कसम से भाई ये मील है और पूरा रियल मील है भाई। भाई वाह वाह ये एक यूनिक कैरेक्टर, मेरे को नहीं पता। अरे 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 एमएस धोनी सर जी, धोनी सर जी, अरे धोनी सर जी अपने साथ खेल रहे यार। अरे वाह सर जी वाह, ये धोनी सर जी अपने साथ है। मिस्टर बीस्ट मैंने मारा, मैंने मिस्टर बीस्ट ने मेरे को मार दिया यार। मेरा पहला क्लियर आउट लिया है मैंने इस गेम का, पहला क्लियर आउट मतलब फ्री फायर इंडिया के अंदर पहला क्लियर आउट लेने वाला बंदा मैं हो चुका हूँ गाइस, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, मैं हो चुका हूँ ठीक है। और इस दूसरे राउंड में मेरे को AWM भी मिल चुकी है, बट हम लोग इस सर पे AWM की जगह XMH लेंगे। और वॉल, अरे वॉल हम लोग को 200 रुपये में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग के पास अभी 3 वॉल हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो हमारे टीममेट का नाम है, एक मैं तो पहले हो गया RS97, दूसरे गनेट यश कैरीवर कह रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ भाई मैं कैरी वो पता नहीं क्या रीड कर रहा हूँ। ये देखो अपना कैरेक्टर देखो भाई, हम इसको मार सकते हैं क्या? नहीं, ग्लिचे जितने तगड़े नहीं है भाई अपने फ्री फायर में, इससे ज़्यादा है। वाओ वार, तुम लोग देख सकते हो भाई ऑब्जर्वेटरी को एकदम रियलिस्टिक। मैं तो भाई घाट में गया गेम खेलना, मैं तो इधर पे देखने आया हूँ कि भाई क्या क्या इस बंदे ने बना रखा है। और बंदा सामने मेरे, मैं मारूंगा। अरे बहुत तगड़े बंदे भाई वो लोग, सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ के जो बॉट है ना बहुत तगड़े लगा रखे देवराज भाई आपने यार, सच में। और यहाँ पे एक भागने वाला ऑप्शन दे दिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, अकेला प्लेयर हमारा इधर पे बचे। ओ हो, टोंडे भाई ने मार दिया यार, उसका एपीटी बना दिया भाई। तभी क्या ही गेम है यार, मजा आई। और अभी हम लोग 2-0 कर चुके हैं भाई, यहाँ पे कमबैक करने वाले हम लोग, ऑफकोर्स मैं कमबैक करने वाला हूँ, ऐसा कोशिश करेंगे सर जी। बाकी मेरे को ये गेम खेलना नहीं आ रहा सच बता रहा हूँ, बट तो फिर भी कोशिश करने वाले ठीक है कि हम लोग इसको कमबैक करें। वॉल वगैरह तो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, रियल वाले पे भी इतनी जल्दी यूज नहीं हो रहा था मेरे से फ़ोन में, अभी तो इस ये वाला गेम भी मैं फ़ोन पे ही प्ले कर रहा हूँ। 2-0 का स्कोर हो चुका है भाई, हम लोग बॉट से हार के आएंगे क्या? बट ये वाला बॉट ये देवराज भाई के बॉट है। बट भाई एक चीज मैंने नोटिस किया है, देवराज भाई ने अपना कैरेक्टर नहीं डाला है और यहाँ पे कैरेक्टर वगैरह वगैरह दूसरे कैरेक्टर बिल्ड किया जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी था। और फ्री फायर इंडिया का एक दर पे झलक दिखाया भाई, मील देखो यार तुम लोग, सॉरी मील कह रहा हूँ, क्लॉक टावर देखो यार तुम लोग, मैं क्या ही बोल रहा हूँ भाई, खुशी मेरे को इतनी ज्यादा हो रखी है। बट ये वाला स्पेस थोड़ा सा ज्यादा कर रखा है, वो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आने वाला उसके कारण। ओपी यार क्या बनाया है भाई, देखो क्लॉक टावर को एकदम रियल बना दिया है, क्या हम लोग ऊपर जा सकते हैं? ओ भाई सीढ़ियां भी है इधर पे पूरी पूरी, हाँ भाई हम लोग ऊपर जा सकते हैं पूरा पूरा। अब यहाँ का बेड कहाँ गया? बेड गया भाई इधर का, मैं यही सब चीजें देखने आया हूँ देवराज भाई, मेरा काम यही है तुम्हारा गलती पकड़ना। इधर का सोफा गायब है, अभी बताओ, अभी तुमने बेड सोफा सब कुछ गायब कर दिया और मैं इधर से कूद नहीं पा रहा हूँ, मैं अकेला बचा हूँ, सामने 3 प्लेयर्स है, 1v3 की कंडीशन है मेरे सामने फ्री फायर इंडिया के मैच के अंदर सर जी। और एक तो अरे भाई नहीं भाई नहीं, अरे एक बंदे को तो मार लेता नूबड़े ले सर जी। 3-0 का स्कोर, क्या बात है भाई, क्या मतलब क्या ही गेम डिजाइन किया है। चलो मेरे हिसाब से मैं नहीं जीत सकता तो बेइज्जती नहीं कराएंगे हम लोग, इधर से बैक करेंगे। बैक कहाँ से कर सकते हैं भाई, वो इसमें कोई बैक वैक का ऑप्शन नहीं है सर, एग्जिट गेम है मेरे को समझ में नहीं आता। और मैं ये अपना रिकॉर्डिंग वाला बार बार ऑन कर लेता हूँ सर जी। ए लो भाई हम लोग वापस आ चुके हैं लॉबी में, एक बार लॉबी को फिर से देखो। और भाई जाते जाते एक बार मैं तुम लोग को साउंड पूरा सुनाना चाहता हूँ देवराज भाई को, और देवराज भाई के भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, वैसे आप से बहुत बड़े वाले बहुत बड़े यूट्यूबर है वो लोग, तो उनको इतनी ज़्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, फिर भी भाई ने मेहनत बहुत अच्छी की है यार, सच में बता रहा हूँ। और तुम लोग ये साउंड सुन चुके हो तो मैं अभी बंद कर दूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और इधर भी देख सकते हो भाई ये गेम कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब मैं बात करता हूँ फ्री फायर इंडिया की, रियल में फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, इस चीज़ की डेट थोड़ा सा रिवील हो चुकी है और स्पेशली उसका वीडियो भी तुम लोग को जल्दी मिलने वाला है। बाय बाय, सी यू, टाटा।